पिछले 6 महीने पहले मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ था, तो मैं जो मेरा गांव है वो उकाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ, और जो मेरे करीब जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैंने जाके अपनी रपट दर्ज करवाई। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लेके मैं फ्रंट डेस्क ऑफिस में गया ना, उन्होंने फ़ौरन ही मुझे मेरी वो एप्लीकेशन लेके उन्होंने कहा जी कि आपकी जो कंप्लेंट है उसको हमने रजिस्टर कर दिया। तो विद इन 2 मिनट्स मुझे मैसेज आ गया। तो मैं आई एम सो हैप्पी कि कोई रिफॉर्म्स हो रही हैं। निज़ाम को ठीक करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो माशाल्लाह से अब तक जहाँ तक मैंने देखा है अपने इस हर चीज़ को, मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पहले से। मतलब इन 2 सालों में जैसे कि ये जो लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट निकाला था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे मुझे लगता है कि कोरोना वायरस बहुत ख़त्म हो गया, और बहुत अच्छा आइडिया कॉन्सेप्ट निकाला है, पुलिस कॉन्सेप्ट निकाला है कि जो कंप्लेन कर सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि एक वुमेन, एक औरत होने की जगह अगर आप देखें तो आपको तब पता चलता है कि जब आप कहीं जाते हो तो आप किस तरह महसूस करते हो। अब हालात बेहतर हो गए हैं, कुछ महंगाई पहले थी, अब कंट्रोल है, कुछ बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतर होगा, कारोबार भी अब ठीक है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बेहतरी आई है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसके अलावा HSC की पॉलिसीज़ में भी बहुत बेहतरी आई है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानियाँ हैं। अस्पताल है, अस्पताल में बहुत कष्ट दिखाया, ये जो सड़क है पहले इसमें पानी होता था, ये अभी देखो अभी कितना ज़्यादा बारिश हो गया लेकिन पानी नज़र नहीं आता। हम तो खुश है इमरान खान की हुकूमत से, उस्मान बुज़दार से इधर खुश है। एक टाइम होता था कि काफ़ी खौफ आता था कि पुलिस स्टेशन जाने से, लोग अपनी कंप्लेंट लेके नहीं जाते थे, उनको लगता था उनका पास होनी नहीं जाएगी। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अभी वो एटलीस्ट पहले से काफ़ी बेहतर है, अब उनकी बात सुनी जाती है। जो ऑनलाइन पोर्टल्स बन चुके हैं, जैसे सोसाइटी का कोई मसला है तो आप पोर्टल पर डाल दें, आपको ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, ये एक रिलीफ है। मतलब किसी का कोई प्लॉट फंसा हुआ है तो आप सोसाइटी का कॉन्टेक्ट करते हैं। मतलब आई हैव ट्राइड इट। मेरे दोस्त जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से बहुत अच्छे तासरात रखते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पर सेहत और तालीम के हवाले से, पुलिस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सा काम हो रहा है। अब पूरे पंजाब पे बहुत से मंसूबे ऐसे शुरू किए गए हैं जिसके असरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। जो इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बने, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी हैं, और दूसरे मामलात हुए हैं पुलिस कचहरी के मामलात, इसमें आई अप्रिशिएट कि इन्होंने एक इम्प्रूवमेंट और एक अच्छा काम किया हमारे न्यू जनरेशन के लिए, फर्दर आने वाले वक्तों के लिए उनके लिए आसानियाँ हों, और मज़ीद इनके लिए एक अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने।